आईसीयू में पानी, लेबर रूम में पानी, सड़क पर पानी, बाढ़ में शव यात्रा, धस गई सड़क, सड़क पर बच्चों की मस्ती। ये तस्वीरें हैं बिहार की राजधानी पटना की। बारिश ने शहर में किस कदर कहर बरपाया है ये इन तस्वीरों से साफ है। अब एक नजर इस अस्पताल में आई बाढ़ पर डालिए। ये है पटना की पौश इलाके राजीव नगर में स्थित मेडिको हार्ट अस्पताल। भारी बारिश के बाद अस्पताल का ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। ये है अस्पताल के आईसीयू की तस्वीरें। पानी भर जाने के बाद यहाँ गंभीर रूप से बीमार मरीजों को आनन फानन में फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट किया गया है। अब यहाँ सिर्फ खाली बेड, पानी और उसके बीच एक नर्स और एक वार्ड बॉय है जो फर्श पर पड़े सामानों को हटाने की जुगत में लगे। यही स्थिति अस्पताल के लेबर रूम की है। पानी भर जाने की वजह से यहाँ का काम भी ठप हो गया है। मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ा। अस्पताल के पूरे गलियारे में पानी भरा हुआ है। हर ओर सिर्फ पानी ही पानी। अस्पताल के बाहर भी पानी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। कमर की ऊंचाई तक पानी के जमाव की वजह से लोगों को इसी से होकर आना जाना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोगों को शव यात्रा भी पानी से भरी सड़क से निकालनी पड़ रही है। भारी बारिश की वजह से बेली रोड के पास ललित भवन के सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया है, जिसकी वजह से यहां ट्रैफिक को रोकना पड़ा। आगे रोड धंस गया है। ये रास्ता कैसे ले जा रहे हैं लोग? जा रहे हैं हवाई अड्डा होते हुए। पानी भर जाने के कारण शहर के कई इलाके तालाब में तब्दील हो गए हैं। बारिश की वजह से जहां आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं बच्चों की मौज हो गई है। सड़क पर भरे पानी में ये बच्चे देर तक जमकर मस्ती करते रहे। दरअसल ये पूरी परेशानी शहर के ड्रेनेज सिस्टम के ठप होने की वजह से हुई। समय से नालों की सफाई नहीं होने की वजह से बारिश का पानी पूरे शहर में भर गया है। जल जमाव के बाद प्रशासन ने पानी की निकासी की कोशिशें जरूर शुरू की हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि पटना में रहने वालों को जल्द ही राहत मिल सके। दीपक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पटना, हिंदुस्तान समाचार।